हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ वॉल के बारे में, यानी कि लोड बेयरिंग वॉल्स क्या होती हैं, नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स क्या होती हैं, शेयर वॉल्स क्या होती हैं, कैविटी वॉल क्या होती हैं, इन चारों का डिफरेंस क्या है आपस में, और ये कहाँ प्रोवाइड करी जाती हैं, और इनका क्या पर्पस है बनाने का। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन चार टाइप्स के अलावा हमारे पास और भी टाइप्स हैं, जैसे पैनल वॉल्स हैं, फेस्ड वॉल्स हैं, वो इतनी मोस्ट कॉमनली यूज नहीं है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं ये चार ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोड बेयरिंग वॉल क्या होती है। अब लोड बेयरिंग वॉल से पहले आपको पता होना चाहिए लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? अब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो बेसिकली हमारा स्लैब एंड बीम पे जो हमारा लोड होता है वो ट्रांसफर होता है फाउंडेशन पे, बट ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? वॉल्स के थ्रू। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर में हमारा जो लोड ट्रांसफर होता है वो स्लैब से हमारा बीम में होता है, बीम से हमारा कॉलम में होता है, एंड कॉलम से हमारा फाउंडेशंस पे होता है। इसमें जो वॉल्स का है वो सेकेंडरी पर्पस है, मतलब दे आर मेंट फॉर पार्टीशन एंड फॉर सेफ्टी पर्पस। उसमें वो लोड नहीं कैरी करती हैं, लोड वो कैरी करेंगी सिर्फ वो सेल्फ वेट, अपना जो वेट है वॉल्स का वही कैरी करती हैं इन केस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर्स। बट इन केस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है, स्लैब और बीम का जो लोड होता है वो ट्रांसफर करती हैं वॉल्स ही फाउंडेशंस पे, उसी को हम कहते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। अब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स पे हमारे जो लोड बेयरिंग वॉल्स हैं तो वो क्या हो गया, वो सिंपली क्या करते हैं, जो हमारे पे लोड आता है स्लैब या बीम से वो फाउंडेशन तक ट्रांसफर करती हैं लोड बेयरिंग वॉल्स। ठीक है, दैट मीन्स कि लोड बेयरिंग वॉल्स कौन कौन सा लोड कैरी करती हैं, जो डेड लोड आता हो प्लस लाइव लोड ऊपर जो होता है उसके ऊपर, प्लस जो अपना सेल्फ वेट है वो भी वो ट्रांसफर करती हैं टू द फाउंडेशंस। अब इसकी क्या एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे मैसनरी वॉल होती है हमारी, मैसनरी वॉल भी हम एज ए लोड बेयरिंग वॉल यूज कर सकते हैं, और हमारे पास प्री कास्ट कॉन्क्रीट वॉल्स हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं एज ए लोड बेयरिंग वॉल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स। अब नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स, इसमें जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है ये कौन सी वॉल होती हैं, नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स। अब ये क्या वॉल्स होती हैं, ये क्या है, दे ऑलवेज कैरी, वो क्या कैरी कैरी इट्स ओन वेट, मतलब कि दे डोंट ट्रांसफर द वेट ऑफ स्लैब एंड बीम का जो लोड आता है वो ट्रांसफर नहीं करती हैं टू द फाउंडेशंस, वो बस अपना वेट कैरी करती हैं, बस उसका यही पर्पस है, वो किसी और स्ट्रक्चर मेंबर का हमें वेट नहीं ट्रांसफर करती हैं। नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स सिर्फ अपना वेट कैरी करती हैं, वही उनका काम है, एंड दे यूजली आर मेंट फॉर किस पर्पस के लिए ये नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स यूज करते हैं, दे आर यूज फॉर पार्टीशन पर्पस। ठीक है, ये पार्टीशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, और मोस्टली जो ये वॉल्स हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स हैं ये हम इंटीरियर वॉल्स के लिए प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो लोड बेयरिंग वॉल्स थी ये हम इंटीरियर और एक्सटीरियर ये हम दोनों में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में, बट ये जो नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स है हम हमेशा इंटीरियर वॉल्स के मोस्टली हम वहां पे ही प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयर वॉल्स। अब शेयर वॉल्स क्या होती हैं, शेयर शेयर वॉल,
अब शेयर वॉल बेसिकली होता क्या है कि ये रेनफोर्स कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, जो वर्टिकल एक एलिमेंट होता है, एक वर्टिकल वॉल बना दी जाती है आरसीसी की ही, कुछ ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसी वर्टिकल एलिमेंट एक बोल सकते हैं, या एक वाइड बीम बोल सकते हैं, एक एज ए वॉल बनाई जाती है थ्रू आउट द बिल्डिंग, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द बिल्डिंग बनाई जाती है। इसका मेनली पर्पस क्या है, जो हमारी लेटरल फोर्सेस एक्ट करती है ना, लेटरल फोर्सेस उसको रेजिस्ट करती है ये बेसिकली। जैसे कि लेटरल फोर्सेस क्या होगी, हमारा जो विंड लोड एक्ट करता है, या सिस्मिक फोर्सेस जो होती है ड्यू टू अर्थक्वेक, उसको ये रेजिस्ट करती है शेयर वॉल्स, और ये आरसीसी में बनाई जाती है, और ये थ्रू आउट द वॉल होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और ये यूजली कहाँ प्रेफर करते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है ये उनमें बनाई जाती है, हाई राइज बिल्डिंग्स में। ठीक है, और यूजली जो इसकी थिकनेस होती है वो वेरी करती है 150 mm टू 500 mm, वो डिपेंड करती है कि हमारे बिल्डिंग का पर्पस क्या है और उसकी कितनी स्टोरीज हैं, तो उस पे डिपेंड करती है शेयर वॉल्स की कि उसकी थिकनेस कितनी रहेगी, ये जो थिकनेस रहेगी ये कितनी रहेगी। हाइट तो हमारी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही रहती है शेयर वॉल की। ठीक है, ये हो गया हमारे पास शेयर वॉल। अब लास्ट वन थी हमारे पास कैविटी वॉल। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो हम मैसनरी करते हैं उसमें एक दो पैरेलल वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, दो पैरेलल वॉल्स करते हैं, बट उसमें बीच में क्या होता है, हमारे बीच में गैप छोड़ते हैं फ्रॉम 2 इंच टू 3 इंच को, वो जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। और ये क्यों बनाते हैं, सो दैट बाहर का जो भी मॉइस्चर है वो हमारा जो इनर वॉल्स को है वो इफेक्ट ना कर सके, और हमारे इनर वॉल्स पे क्या मॉइस्चर फ्री रह सके, तभी हम मोस्टली वहाँ कैविटी प्रोवाइड करते हैं। और ये मोस्टली हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा डैम्पनेस होने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे हम ये प्रोवाइड करते हैं, या जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है उस केस में हम प्रोवाइड करते हैं ये कैविटी वॉल्स में। इसमें क्या होता है, डबल मैसनरी होती है तो उसमें बीच में गैप रखा जाता है, उसको हम कैविटी वॉल्स बोलते हैं। सो ये कुछ ऐसा डिफरेंस मैंने आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन लोड वेयरिंग वॉल्स, नॉन लोड वेयरिंग वॉल्स और शेयर वॉल्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और ये कहाँ पे यूज होते हैं, इनका पर्पस क्या है, वो सब मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।